नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते की पहली ट्रेडिंग सेशन नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और विदेशी बाजार से दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार का रुख करते हैं। यहां पर 15,809 के आसपास एसजेक्स निफ्टी में ट्रेड, करीब 80 अंकों की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें निक्केई में भी 600 अंकों का उछाल दिख रहा है और हांगकांग के बाजार भी 385 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी बिकवाली के साथ फिलहाल कामकाज एक सपाट मूव यहां फिलहाल दिख रहा है। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में क्या हुआ? दमदार तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार बंद हुए। डाउ में हमने 450 अंकों की तेजी देखी, वहीं नैसडैक में भी 150 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, हफ्ते भर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है ग्लोबल मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए ये, और साथ ही इतनी तेजी के पीछे की वजह क्या है, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार में दमदार तेजी, अमेरिकी बाजार में इतनी तेजी के पीछे की वजह क्या रही? गुड मॉर्निंग मानसी, और बढ़िया संकेत आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखें जिस तरह से पिछले हफ्ते का एक्शन था, स्पेशली जो सेकंड हाफ पिछले हफ्ते का एक्शन था, उस हिसाब से देखें तो जबरदस्त संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और एशिया में बढ़िया शुरुआत हुई है, 15,800 के ऊपर आपको एसजेएक्स निफ्टी दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक कारोबार करते हुए दिख रहे हैं इस समय। काफी बड़ा हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि अब नतीजों पर फोकस आपके लिए फ्रंट एंड सेंटर आते हुए दिखेगा। तो यूएस में कई दिग्गज कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। बैंक्स में अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन, गोल्डमन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप के नतीजे आएंगे। वहीं पेप्सी, डेल्टा एयरलाइंस, ब्लैक रॉक के भी नतीजे आने वाले हैं। साथ ही कोर सीपीआई और रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे और चीन का जीडीपी डेटा भी आएगा। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता होने वाला है ये। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा काफी एक्शन रहा, जिस तरह से हमने फ्राइडे को बाउंस बैक देखा है, जबरदस्त तेजी रही। डाउ 450 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ और नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई बनाया। इंट्राडे में नया रिकॉर्ड नहीं छुआ, बट नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है डाउ। और जिस हिसाब से भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे तो डाउ 150-200 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा था, तो उसकी तुलना में देखें तो और बढ़िया बढ़त दिखी है। नैसडैक पर भी नया क्लोजिंग हाई बना है, बट साथ ही S&P 500 पर नया इंट्राडे रिकॉर्ड एक बार फिर से और साथ ही नया क्लोजिंग हाई भी। तो तीनों इंडेक्सेस आप कह सकते हैं एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स यहां पर बनते हुए दिखे हैं। सभी सेक्टर्स से आपने तेजी देखी, बट स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़िया तेजी थी। जो उनका इंडेक्स है स्मॉल कैप्स का, रसल 2000, उसमें भी हमने 2% का उछाल देखा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स सिक्लिकल्स में सबसे ज्यादा तेजी थी, बैंक्स, एनर्जी, साथ ही आप देखें ऑटो काउंटर्स, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी और एयरलाइन स्टॉक्स में भी दमदार एक्शन बना हुआ दिखा है। तो ये एक स्पेस थी जहां जिसने सहारा दिया, बट लगभग सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। यूरोप की बात करें तो 1.5-2% का उछाल यहां पर भी आपको दिखा। कच्चा तेल वापस उछलकर $75.50 के पार आपको दिख रहा है इस समय ब्रेंट, तो वहां पर भी तेजी का एक्शन है। और साथ ही सोना $1,800 के ऊपर है, हालांकि डॉलर इंडेक्स पर अब वापस दबाव आते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि काफी मजबूत ग्लोबल क्यूज आई है। अब इस हफ्ते अर्निंग्स पर सबकी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो हर लिहाज से विदेशी बाजार से दमदार संकेत हम देख रहे हैं और अर्निंग्स का सीजन जो शुरू हो रहा है इस पर आगे अब नजर रहेगी। चलिए जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन, कैश मार्केट में एफआईएस ने 1125 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं कैश मार्केट में यहां डीआईएस की तरफ से 107 करोड़ की खरीददारी आती हुई दिखी है। और बल्क डील की अगर बात करें ग्रैन्यूल्स इंडिया में बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज फंड ने करीब 28,56,000 शेयर्स 103 करोड़ के दाम पर खरीदे हैं। एफआईएस की वायदा बाजार में खरीदारी है 6,612 करोड़ की। तो क्लियरली इंपैक्ट है जो कि संस्थागत निवेशकों के बाइंग में देखने मिल रही है। एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली, लेकिन वायदा बाजार में बड़ी खरीदारी, 6,612 करोड़ की खरीदारी आती हुई। चलिए इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार पर हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, अब ये जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से शानदार संकेत इस बार हम देख रहे हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में दमदार तेजी रही, एफआईएस की खरीदारी वायदा बाजार में, इन तमाम संकेतों को कैसे समझे और भारतीय बाजार पर पहली रणनीति आज क्या बनाई जाए? सर, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी हुई है और उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी होती हुई नजर आई। जैसा हम सोचे थे उससे तो बहुत ही बेहतर ट्रेडिंग सेशन रहा है। और अगर सारे के सारे इंडेक्स लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं तो फिर कहना ही क्या। देखिए,
डाउ नैसडेक S&P 500 और उसके अलावा जो स्मॉल कैप शेयरों का रसेल 200 है वो भी 2% चढ़कर बंद हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ब्रॉड बेस और बड़ी खरीदारी पूरी की पूरी आपकी अमेरिकी बाजारों में दिख रही है और उसी का असर आप हमारे यहाँ और बाकी एशियाई बाजारों पर भी पड़ते हुए देखेंगे। अच्छी बात यह है कि शुक्रवार को भारतीय बाजार एकदम सपोर्ट लेवल के नजदीक ही बंद हुए हैं और बाउंस करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो मुझे लगता है थोड़ी खरीदारी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दोनों बाजारों को मजबूत रखेगी और आज मजबूत खुलने के बाद भी बाजार ऊपर टिकने की कोशिश करेंगे, ये एक अच्छा संकेत आता हुआ दिखा है। जो मजबूत सपोर्ट रेंज है 15,625-15,675, पिछले हफ्ते इसी रेंज में हमने सपोर्ट किया था, उसके पिछले हफ्ते भी इसी रेंज में सपोर्ट किया था, तो मुझे लगता है आज भी यहीं पर सपोर्ट का काम करेगी। ये 50 पॉइंट की रेंज आसानी से टूटने वाली है नहीं। ऊपर की तरफ 15,800 के आसपास हम खुलेंगे, वहां थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे और उसे पार करके टिके तो 15,875 ये वो रेंज है जो ऊपर की तरफ है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी भी 34,835 की रेंज में सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, तो आज के लिए जो सपोर्ट के लेवल्स हैं वो 34,800 से 34,900 मानकर चले। 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर शुक्रवार को क्लोजिंग हुई है, मुझे लगता है निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा तेज दौड़ लगाने और भागने के लिए आज तैयार हो सकता है। 35,425-35,575 ये ऊपरी रेंज है जहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश आज कर सकता है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रेटजी हमें बताने के लिए। तो बाजार में तेजी तो दिखेगी ही और बाजार ये तेजी को जो है दिन भर कायम भी रखने की पूरी कोशिश करेगा। ट्रेडिंग रेंज स्ट्रेटजी की अगर बात करें 15,625 से 15,675 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, 15,800 से 15,875 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी 34,800 से 34,900 इस दायरे को एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप माने, 35,425 से 35,575 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबर है, कहां फोकस रखना है? बिल्कुल, बहुत फार्मा सेक्टर जो कि आप जानते हैं बहुत ही फोकस में रहा है और वहीं पर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हमारे हाथ लगी है। नेक्टर लाइफ ये है कंपनी जिस पर फोकस करना है और आप जानते हैं मिड साइज फार्मा कंपनी है और यहाँ पर प्रमोटर्स जो है सूत्र में बता रहे हैं वो पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो उनकी कंपनी में है वो बेच सकते हैं। इस वक्त उनकी हिस्सेदारी करीब 56% है कंपनी में और पूरा का पूरा हिस्सा जो है उनका गिरवी है। एज ऑफ जून 2021 क्वार्टर उनका पूरा हिस्सा गिरवी है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंसर्न्स रह चुके हैं कंपनी के पास, तो कुछ बड़ी पीई फर्म से बातचीत चल रही है, वैल्यूएशन पर बातचीत हो रही है कुछ बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म और बड़ी कुछ फार्मा कंपनीज के साथ भी यहाँ पर कांस्टेंट डायलॉग है, काफी एडवांस स्टेजेस पे टॉक्स भी चल रही हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा भाव से बड़े प्रीमियम पर डील होने की संभावना है क्योंकि फार्मा का फ्लेवर है इस वक्त जो जिस चीज में ये स्पेशलाइज करती है वहां पर डिमांड बहुत अच्छी आ रही है, तो ये बहुत अच्छा पीरियड होगा उनको बेचने के लिए और एक अच्छी वैल्यूएशन मिलने के लिए। बड़ी विदेशी कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेवी कर सकती हैं, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। इस कंपनी के साथ कुछ 3-4 बड़ी फार्मा कंपनीज के साथ बातचीत हो रही है जहां बड़ी जेवी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमने नेक्टर लाइफ के साथ बातचीत करने की कोशिश की, उनसे उनका रिस्पॉन्स मांगा, हमें उन्होंने औपचारिक रूप में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं आया, बट ऑफ द लाइन बात करी है, बट आई मीन उन्होंने ना ही नकारा है ना ही कंफर्मेशन दिया है, बट ऑफिशियली उनका कोई रिस्पॉन्स फिलहाल नहीं है। बट ये नेक्टिव लाइफ के लिए एक बड़ी खबर आते हुए आकर। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो नेक्टर लाइफ साइंसेस के लिए बड़ी खबर आती हुई और जितने भी अपडेट्स मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आज के लिए इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय चंबल फर्टिलाइजर पर है, कैश मार्केट में खरीदारी करने की राय 318 के टारगेट्स को मानकर चले, 290 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज बुलिश है सिम्फनी पर, यहां पर भी अगर आप खरीदारी करके चलते हैं 1,100 के टारगेट्स को मानकर चले 1,055 का यहां आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो दो कॉल्स, एक चॉइस ब्रोकिंग, दूसरी आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से चंबल फर्टिलाइजर और साथ ही सिम्फनी। चलिए खबरों वाले शेयर्स अब कुशल गुप्ता से जान लेते हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा?
गुड मॉर्निंग मानसी, आप देखिए कैश पे से एच एफ स्टील और स्टील स्ट्रिप व्हील्स के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, साथ ही जून सीपीआई और अप्रैल आईआईपी के आंकड़े भी आएंगे, तो यहां पर भी आपको फोकस रखना है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील पर एसईटी की अगली सुनवाई आज होने वाली है, तो यहां पर भी फोकस रखिए। और आज से 16 जुलाई तक गोल्ड बॉन्ड की जो चौथी किश्त खुलेगी वहां पर आपको फोकस रखना है। इश्यू प्राइस 4,807 रुपए प्रति ग्राम रखा गया है। एक्स डिविडेंड दो कंपनियां ट्रेड करेंगी, जिसमें बॉश फाइनल डिविडेंड 115 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया था, साथ ही पॉलीकैप इंडिया यहां पर भी 10 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया गया था। इसके अलावा जीआर इंफ्रा यहां पर भी आईपीओ अपडेट आता हुआ दिखा है। आखिरी दिन अगर आप देखें तो कंपनी 102 गुना यहां पर इनका आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, जहां पर रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन करीब 12.5 गुना रहा है। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ भी 93 टाइम्स लास्ट डे तक बढ़ता हुआ नजर आया, रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन करीब 9 टाइम्स रहा है, और जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 880 से 900 रुपए के बीच रखा गया था। कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आते हुए नजर आए हैं, जिसमें एवेन्यू सुपरमार्ट यहां पर बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स दिख रहे हैं। कंपनी की जो आय है वो करीब 31% बढ़कर जो है 5,032 करोड़ हुई है, और हमारा जो अनुमान था वो भी इसके आसपास ही था। हालांकि कंपनी की मार्जिन्स का अनुमान हमारा 5.7% का था, उसके मुकाबले 4.4% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा भी 132% बढ़कर 115 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान ऑलमोस्ट 170 करोड़ रुपए का था। डेल्टा कॉप यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कंपनी का जो घाटा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पर ही है, बहुत ज्यादा फ्लैट जो है आपको यहाँ पर लॉस फिगर देखने को मिलेंगे 28 करोड़ पर, और कंपनी की आय में लेकिन 57% की बढ़त के साथ 76 करोड़ पर सालाना आधार पर ये आय है। ये तो मिले जुले नंबर्स आप कह सकते हैं यहाँ पर सालाना आधार पर डेल्टा कॉप के। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स यहाँ पर नंबर्स ओवरऑल तो अच्छे रहे हैं, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो अनुमान से हमारे खराब यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। कंपनी की जो आय है वो करीब 133% बढ़कर 232 करोड़ पड़ गई है, हमारे जो अनुमान था वो करीब 500 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले अगर आप कंपनी का मुनाफा भी देखें तो वहां पर करीब 1.5 करोड़ का घाटा था, इस बारी 77 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। कुछ खबरें भी है मेरे पास, जहां पर सबसे पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर है। यहां पर उज्जीवन फाइनेंस के साथ रिवर्स मर्जर के अप्लाई के लिए अप्लाई करने को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, साथ ही आरबीआई नियमों के अंतर्गत बैंक में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 40% होनी चाहिए, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमोटर की अभी हिस्सेदारी जो है 83.2% है। साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास होल्डिंग्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहां पर रिवर्स मर्जर के लिए अप्लाई करने को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है इनको भी, और लिस्टिंग के 5 साल के अंदर इनको भी जो है अपनी जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो घटानी होगी। थायरोकेयर अंत में यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एपीआई होल्डिंग्स जो फार्म इजी है उसमें सॉफ्ट बैंक करीब करीब 150 से 200 मिलियन डॉलर का निवेश कर सकते हैं, और अगले 12 से 18 महीनों में हो सकती है एपीआई होल्डिंग्स की लिस्टिंग, तो जो है थायरोकेयर पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारे ट्रिगर्स जिस पर हमें आज नजर रखनी होगी, बाजार इन तमाम पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। चलिए बाजार पर आज आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके लिए आज अहम है, ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो विदेशी बाजार के संकेत दमदार हम देख रहे हैं, एफआईआई की खरीदारी भी देख रहे हैं वायदा बाजार में, क्या लगता है भारतीय बाजार के लिए आज का सेटअप कैसा दिखेगा, इंडेक्स पर क्या आपका नजरिया है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी देखिए, पिछले सप्ताह हमने एक फॉल देखा था, उसके बाद वॉलेटिलिटी भी देखी थी, साथ ही जब फ्राइडे के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है, एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन निफ्टी में देखने को मिला है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में 15,800 का एक इमीडिएट लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी 15,620 पे। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, 15,800 का लेवल जैसे ही पार होगा 15,900 तक के लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग, तो काफी शॉर्ट यहाँ पे बनते हुए हमको नजर आए 15,700 और 15,800 की स्ट्राइक में, तो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल से 15,800 का। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, मैं कहूंगा हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे बना है, बहुत ही शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने मिली थी। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 35,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था उसके ऊपर की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 35,400 35,600 के इमीडिएट टारगेट्स होंगे, बैंक निफ्टी में खरीद के चलने की सलाह होगी।
34,800 ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की संभावना हमें नजर आती है, तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में खरीद के चलने की सलाह होगी। ओके, खरीदारी की कॉल्स दोनों ही इंडेक्स पर आती हुई, लेकिन निलेश जी फिर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आज के लिए आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगे? बिल्कुल मानसी, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी ग्लेनमार्क फार्मा, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिला था, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था। 655 के स्टॉप लॉस से 685 के टारगेट्स होंगे। दूसरा खरीद के चलने की सलाह होगी MGL महानगर गैस, जहाँ पे हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है, उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी हम देख रहे हैं। 1155 के स्टॉप लॉस से MGL को खरीद के चलने की सलाह होगी 1210 के टारगेट के लिए। ऑल राइट निलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो कॉल्स निलेश की तरफ से आती हुई, ग्लेनमार्क और महानगर गैस लिमिटेड। ग्लेनमार्क अगर खरीदारी करके चलते हैं 685 के टारगेट्स को मानकर चलें, 655 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। महानगर गैस लिमिटेड में 1210 के टारगेट्स को मानकर चले, 1155 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बाजार की चाल को देखते हुए आज काफी दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं, विदेशी बाजार से काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और अगर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स को समझने की कोशिश करें तो मिलाजुला रिस्पांस तमाम सेक्टर्स में था। इनफैक्ट ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और पीएसयू बैंक में बिकवाली हावी होती हुई दिखी, साथ ही प्राइवेट बैंक स्पेस में भी गिरावट थी। एफएमसीजी, मेटल्स और फार्मा ने बाजार को संभाला था। फार्मा एक कह सकते हैं कि फ्लेवर के तौर पर आता हुआ दिख सकता है, आज के सत्र में फार्मा पर नजर रखेगा। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं, हमारे साथ अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट और साथ ही कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया बताएं। जी गुड मॉर्निंग, देखिए गोल्ड में हमने $1820 के आसपास से एक फॉल देखा था पिछले हफ्ते और उसके बाद एक रिकवरी देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन की जरूरत है काफी बड़ी रैली के बाद, तो मैं शरण लाली इसकी सलाह देना चाहूंगा गोल्ड में। और डाउनसाइड में करीबन $1790 की टारगेट लिए जा सकते हैं, यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे करीबन 47,650 से 600 तक के लेवल लिए जा सकते हैं और 48,050 के आसपास बेचने की सलाह होगी। सिमिलरली चांदी में भी करीबन 69,500-600 की जोन में बिकवाली कर सकते हैं और डाउनसाइड में 68,700 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। जहाँ तक कच्चे तेल का सवाल है, हमने इन्वेंट्री में काफी अच्छा डिसेंट ड्रॉडाउन आते हुए देखा और उसके बाद जो लॉसेज देखे थे कच्चे तेल में उसके तरह से वहाँ पर रिकवरी देखने मिली है पिछले हफ्ते के लास्ट दो सेशन में, और मुझे लगता है रिकवरी जारी रहेगी, इसलिए क्रूज में बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी 5,500 के करीब और अपसाइड में 5,600-10 का टारगेट लेके चला जा सकता है। चलिए अब रुक करते हैं फायर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन का। पूजा जुड़ गई है मेरे साथ, उनसे एफआईआर एक्शन समझते हैं। पूजा गुड मॉर्निंग बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत एवेन्यू सुपरमार्केट के साथ करते हैं, काफी सारी रिपोर्ट आई है डीमार्ट पर। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो जो प्रीवियस रेटिंग की थी ओवरवेट की वो घटाकर इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट यहाँ बढ़ा दिया है 3,218 से बढ़ाकर जो नया टारगेट है वो 3,262 का दिया है। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट 2300 का दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने बाय की रेटिंग बरकरार रखी है, 3,690 का टारगेट दिया है। और सिटी की रिपोर्ट आई है, सेल की रेटिंग दी है यहाँ पर और जो टारगेट है वो 2,210 का दिया है। तो लगभग सभी रिपोर्ट्स यहाँ पर काफी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है टेक महिंद्रा पर, CLSA की, ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 1300 प्रति शेयर के लक्ष्य की। ओके पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन में बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।